रामपुर में सपा नेता आजम खान को दो मामलों में मिली राहत। कोर्ट ने आचार संहिता मामले में आजम खान को स्टे दिया है, तो वहीं तीन मामलों में कार्यवाही भी की है। कोर्ट ने सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे में NPW का वारंट जारी किया, साथ ही दो मामलों में 82 के तहत कार्यवाही की गई है। यह सभी मुकदमे अलग अलग थानों के हैं, जिसमें रामपुर न्यायालय ने मुकदमों को सुनते हुए बड़ी कार्यवाही की है। लगातार कोर्ट में आजम खान गैर हाजिर हैं, इसमें इनके खिलाफ कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। आजम खान के पड़ोसी आरिफ रजा खान के मामले में कोर्ट ने 82 की कार्यवाही की है। आप कब सुन रही हूँ? आज माननीय घटिया 6 कोर्ट में 5 मुकदमे माननीय आजम खान पर लंबित थे, विचाराधीन थे। उन 5 मामलों में अलग अलग कार्रवाई हुई है। एक मामला आचार संहिता का उल्लंघन का मामला था थानागंज का, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें स्टे कर दिया गया है। उसमें पहले से 82 की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें स्टे कर दिया गया है। और सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है कि 4 सप्ताह के अंदर अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करें माननीय उच्च न्यायालय में। अब उसमें 2/3/2020 2 मार्च की तारीख नियत की गई। इसके अलावा एक मामला थाना सवाद का अंत पर था आचार संहिता का उल्लंघन का मामला, उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे कर दिया गया है और उसमें भी 4 सप्ताह का समय दिया गया है सरकार को कि अपने 4 सप्ताह के अंदर अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। इसके अलावा एक अन्य मामला था, उनके पड़ोसी आरिफ रजा खान द्वारा एक मुकदमा उन पर कायम कराया गया था। उसमें पहले भी उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई हुई थी, लेकिन थानागंज की पुलिस द्वारा कुछ जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कुछ गड़बड़ी इसमें कर दी गई है। न्यायालय के सामने नोटिस चस्पा किया था, वो नहीं किया। एक दो और जो छोटी छोटी कमियाँ रह गई थी, उसकी वजह से दोबारा आज पुनः 82 कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और उस मामले में 22/2020 की डेट कोर्ट द्वारा लगाई गई है। इसके अलावा एक अन्य मामला था थाना सिविल लाइन का, उनमें भी लगातार गैर हाजिर रहे हैं मोहम्मद आजम खान साहब, तो उसमें आज न्यायालय द्वारा NPW वारंट जारी किया गया उनके खिलाफ, और इसमें 1 फरवरी की डेट कोर्ट द्वारा लगाई गई। इसके अलावा एक अन्य थाना टाना का मामला था, DSCL द्वारा उनके ऊपर SC/ST का मुकदमा लगाया गया था। उस पर चार्ज पर बहस होनी थी, लेकिन आज चार्ज से बहस नहीं हो सकी है, इसलिए 17/2020 की डेट उसमें क्लियर की गई है। उन पर जो चार्ज लगे हैं उस पर चार्ज पर बहस की जाएगी 17 फरवरी को।